एक तो मैं मन का मालिक हूँ फिर दूसरा बाबा ने हमें समान जो दिया है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और तीसरी बहुत ही रमणीक बात बाबा ने बताई एकदम इजी है वो विधि है कि अपने ऊपर मुस्कुराना ये एकदम डिफरेंट स्टाइल लगी बाबा की लेकिन बहुत ही रमणीक और बहुत ही इफेक्टिव है कि जब भी अपना मन नहीं मानता है ना तो अपने हमें अपने ऊपर ऊपर मन के ही मुस्कुराना है तो ये टेक्निक भी हम सीखेंगे बाबा से फिर बाबा ने कहा कि जब ब्राह्मणों के जीवन में जो संस्कार परिवर्तन है ना वो एक बहुत बड़ी बात है वो जो संस्कार परिवर्तन करने की बात है तो चाहे अपना संस्कार या चाहे दूसरों का संस्कार वो ही विघ्न रूप बनता है तो बाबा ने उसकी दो वजह ही बताई है कि जो भी शक्ति हम यूज करना चाहते हैं जब भी यूज करना चाहते हैं जिस समय यूज करना चाहते हैं वो समय हमें कार्य में लगानी चाहते हैं लेकिन वो तभी इमर्ज नहीं होती है उसकी बजाय थोड़ा लेट इमर्ज होती है तो वो जो समय का अंतर पड़ जाता है उसमें वो ध्यान रखना है हमें और दूसरी बात बाबा ने बताई कि अभी चलो एक बार आपने गलती की और फिर दूसरी बार आगे नहीं हो उसके लिए हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना है महसूस करना है कि दूसरी बार वो हमारी गलती दोबारा नहीं हो लेकिन वो अच्छी तरह से रियलाइज करके फिर दूसरी दफा फिर फुल परसेंटेज में हमें पास होना चाहिए ना हंड्रेड परसेंट तो वो नहीं होता है उसमें परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है तो बाबा ने फिर अच्छी तरह से एग्जाम्पल भी दिया है समझाया है कि माया भी कैसे ट्विस्ट करती है आप लोगों से खेलती है माया अलग अलग तरीके से रूप बताकर फिर बाबा ने कहा मन और बुद्धि को खाली करने के लिए बाबा ने दो तरीके बताए हैं सच्चा दिल चाहिए साफ दिल चाहिए और बाप दादा के आगे महसूस था की शक्ति से सब बातें बाप दादा के आगे रख दो वो एक तरीका बाबा ने बताया है और दूसरा तरीका बाबा ने कहा कि बुद्धि की लाइन हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखो उससे क्या होगा कि जब भी बाबा की मदद हमें बाबा को बाबा को हमें जब मदद देनी होती है ना तो वो बाबा हमें एक्स्ट्रा शक्ति दे सकते हैं दुआएं दे सकते हैं मदद दे सकते हैं अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी तो और फिर बाबा ने यहाँ एक इजी नेचर के बारे में भी आज बताया है कि इजी नेचर या मिलनसार नेचर किसको कहते हैं और उससे फायदे क्या होते हैं तो आइए अभी हम बाबा की वाणी सुनते हैं तो हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे और बाबा की वाणी सुनेंगे तो आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं चाहे कोई कहां से भी आए हो लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो मीन्स परमधाम से तो अपना ये अनादि देश याद है ना प्यारा लगता है ना बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना बाप दादा आज सभी बच्चों के पांच स्वरूप देख रहे हैं जानते हो पांच स्वरूप कौन से हैं जानते हो ना पांच मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है तो बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप देख रहे हैं पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप तो अभी हम जैसे ये पांच स्वरूप पढ़ेंगे ना वैसे वैसे हम उसमें अनुभव करने का सोचा और अनुभव करने की ट्राई करेंगे तो पहला स्वरूप बाबा ने कहा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप याद है ना अपना स्वरूप भूल तो नहीं जाते दूसरा है आदि देवता स्वरूप पहुंच गए देवता स्वरूप में तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप वो भी याद है आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है आपकी पूजा होती है कुमार सुनाओ आपकी पूजा होती है तो तीसरा है पूज्य स्वरूप चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप तो पांच ही रूप याद आ गए अच्छा एक सेकेंड में यह पांच ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो फिर बाबा ने वन टू फाइव गिना है हम भी गिनेंगे और देखते हैं कि हमें भी ये स्वरूप याद आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो कर सकते हो यह पांच ही स्वरूप कितने प्यारे हैं जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होने चाहो सोचा और अनुभव किया यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है ये हम अंडरलाइन करेंगे ये जो रूहानी मन की एक्सरसाइज बाबा सिखाते हैं तो उसमें हम विजुलाइज़ तो करते हैं लेकिन साथ साथ में हमें उस स्थिति का अनुभव करना है अनादि स्थिति या तो फरिश्ता स्वरूप या तो पूज्य स्वरूप तो जैसे जैसे स्वरूप बोलते हैं वैसे उस स्वरूप का अनुभव करना है यही है रूहानी मन की एक्सरसाइज आजकल सभी क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं ना जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी खड़े होकर के वन टू थ्री एक्सरसाइज नहीं तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो इसके लिए टाइम नहीं चाहिए पांच सेकेंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं ऐसा कोई बिजी है जो पांच सेकेंड भी नहीं निकाल सके है कोई तो हाथ उठाओ फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें टाइम नहीं मिलता यह तो नहीं कहेंगे ना टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो किसी भी कार्य में हो पांच सेकेंड की यह मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा ठीक रहेगा बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह पांच सेकेंड की एक्सरसाइज करो हो सकती है देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है याद रखना ओम शांति भवन याद रखना भूलना नहीं तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना क्या करे मन नहीं टिकता मन को मण बना देते हो जो वजन करते हैं ना पहले के जमाने में पाव शेर और मण होता था वो है ना मेजरिंग यूनिट्स होते हैं पहले के जमाने में तो पाव शेर और मण होता था आजकल बदल गया है आजकल हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में, में मेजर करते हैं ना तो मन को मण बना देते हैं मीन्स भारी तो बोझ वाला और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे अभ्यास हो जाएगा ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ मुश्किल है नहीं है कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है आप फरिश्ते हो या नहीं आप ही हो या दूसरे हैं बाबा अभी अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने बार फरिश्ता बने हो अनगिनत बार बने हो आप ही बने हो अच्छा अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है कभी कभी होता है अभी यह अभ्यास करना कहा भी हो पांच सेकंड मन को घुमाओ चक्कर लगाओ चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स ठीक है ना राउंड लगाना आएगा ना बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ तो हर घंटे में राउंड लगाया और फिर काम में लग जाओ क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते है ना ड्यूटी तो बजानी है लेकिन पांच सेकंड मिनट भी नहीं सेकंड नहीं निकल सकता है निकल सकता है यूएन की ऑफिस में निकल सकता है मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता तो बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है किस बात पर चैलेंज करते हैं पर्चा छपाते हैं भाषण करते हैं कोर्स कराते हैं क्या कराते हैं कि हम विश्व को परिवर्तन करेंगे या तो सभी बोलते हैं ना या नहीं सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं तो एक तरफ कहते हैं कि विश्व को परिवर्तन करेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान है और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं मालिक है मन के और मास्टर सर्व शक्तिवान भी है फिर भी कहते हैं मुश्किल है तो हंसी नहीं आएगी आएगी ना हंसी तो जिस समय सोचते हो कि मन नहीं मानता उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है कि तीन लकीरें गाई हुई है एक है पानी की लकीर के पानी पर जो लकीर पानी पर लकीर देखी है लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी लगाते तो है ना तो दूसरी है किसी भी कागज पर स्लेट पर कहा भी लकीर लगाना और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं जो मिटाते हैं लेकिन मिट्टी नहीं है ऐसी लकीर अच्छी है कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे अब से नहीं होगा लेकिन फिर फिर परवश हो जाते हैं इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है रहम आता है परवश हो जाते हैं तो परवश पर तो रहम आता है जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है कब तक तो उसका उत्तर आप दो कब तक कुमार दे सकते हैं कब तक यह समाप्त होगा तभी बाप दादा हमें प्रश्न पूछते कि आप परवश कब तक रहेंगे कब तक परवश होते रहेंगे तो बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार तो कब तक बता सकते हो आखिर भी यह कब तक बोलो जवाब आता है कब तक अभी बाबा दादियों से पूछ रहे दादियां सुनाओ तो जवाब मिला होगा कि जब तक संगमयुग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा तो बाबा ने और प्रश्न पूछा कि तो संगम युग भी कब तक तो फिर बच्चों ने जवाब दिया है कि जब फरिश्ता बन जाएंगे बाबा ने और भी आगे पूछा वो भी कब तक तो किसी ने कहा बाबा बताएं तो बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बनना आपको है या बाप को है तो इसका जवाब सोचना बाप तो कहेंगे अब लेकिन तैयार हैं आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया तो बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखने चाहते हैं जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है यह तो सब कहते हो ना दूसरा भी कोई संस्कार संसार है क्या बाप ही संसार है तो संसार के बाहर और क्या है सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है अभी हम ध्यान से सुनेंगे ब्राह्मणों के जीवन में मेजोरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार ज्ञान सभी में है और शक्तियां भी सभी के पास है लेकिन कारण क्या होता है जो शक्ति अभी ये अंडरलाइन करेंगे हम जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा यह करने की बजाय यह करती तो बहुत अच्छा लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो कि हाँ सहन शक्ति यह है निर्णय शक्ति यह है ऐसे यूज करना चाहिए सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है तो ये है हमारा फर्स्ट रीजन बाबा ने देखा और दूसरी बात दूसरी बात क्या होती है चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं भी आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था अच्छा ये समझ में आ जाता है पीछे लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर लें जो दोबारा नहीं हो फिर भी प्रोग्रेस तो हो सकती है उस समय समझ में आता है कि यह रॉन्ग है यह राइट है लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना है उसमें भी इतना फुल परसेंटेज पास नहीं होते ये बाबा ने नोटिस किया कि बच्चे रियलाइज भी करते हैं लेकिन फिर दूसरी बार इतना फुल परसेंटेज में जो पास होने चाहिए वो नहीं होते हैं अभी क्यों बाबा उसका रीजन बता रहे हैं अभी बताते हैं बाबा कि और माया बड़ी चतुर है वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है एक बार आपने रियलाइज कर लिया लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है माया भी अपना ट्विस्ट करके दिखाती है होती तो वही बात है लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है मानो आप में ईर्ष्या आ गई ईर्ष्या भिन्न भिन्न रूप की है तो एक रूप की नहीं है तो बीज है ईर्ष्या का बीज ईर्ष्या का ही होगा लेकिन और रूप में आएगी तो उसी रूप में नहीं आती है तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना यह बात यह तो बात ही दूसरी हुई तो लेकिन बीज वही होता है और सिर्फ रूप परिवर्तित होता है तो बाबा ने यहां ईर्ष्या का एग्जाम्पल देके हमें बताया कि माया अलग अलग तरीके से रूप बदल कर आती है मेन रीजन भले बीज ईर्ष्या का ही हो लेकिन वो अपना रूप बदल कर आती है उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए परखने की शक्ति तो बाबा ने ये हमें पॉइंट बताया कि अभी परखने की शक्ति चाहिए इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो एक सच्ची दिल सच्चाई अंदर नहीं रखो अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और फिर आखिर क्या होगा फटेगा ना तो सच्ची दिल चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच भी होता है थोड़ा शर्म सा आता है पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे लेकिन सच्चे दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो ये है इंपॉर्टेंट बात ये है सॉल्यूशन बाबा ने बताया कि आप बाप दादा के आगे बात को रख दो सच्चे दिल से साफ दिल से ऐसे नहीं कि मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई जैसे कि ऑर्डर चलाते हैं कि हाँ मेरे से यह गलती हो गई तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं महसूसता की शक्ति से सच्ची दिल से सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी और किचड़ा खत्म तो बाबा ने हमें किचड़ा खत्म दिल खाली करने के लिए ये पहली बात बताई और फिर आगे दूसरी बात भी बताते हैं बाबा अगर बातें बड़ी नहीं होती है छोटी ही होती है लेकिन अगर आपकी दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है खाली तो नहीं रहती है ना तो दिल खाली नहीं तो फिर दिलाराम कहाँ बैठेगा बैठने की जगह तो हो ना तो सच्चे दिल पर राजी जो हूं जैसी हूँ जो हूँ जैसा हूं बाबा आपका हूं बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबर वार तो होने ही है इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा लेकिन सच्ची दिल अभी बाबा दूसरा बताते हैं दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो कट ऑफ नहीं हो बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं दुआएं देने चाहते हैं एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं तो अगर डिस्टरबेंस होगी तो वो मिल नहीं सकेगी लाइन क्लियर ही नहीं है क्लीन नहीं है कट ऑफ है तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती कई बच्चे कहते हैं कहते नहीं है तो सोचते हैं कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है ब्राह्मणों को भी मिलता बड़ों का भी मिलता बाप दादा का भी मिलता है हमको कम मिलता है कारण क्या तो बाप तो दाता है सागर है जितना जो लेने चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है पहरेदार नहीं है बाबा कहा और जी हाजिर बाबा कहा लो दाता है ना दाता भी है और सागर भी है तो क्या कमी होगी इन्हीं दो बातों की कमी होती है तो एक बात बताई बाबा ने सच्ची दिल साफ दिल हो चतुराई नहीं करो चतुराई बहुत करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं तो बाबा को तो ये भी सब पता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई बच्चे करते हैं, तो साफ दिल, दिल सच्चे और फिर दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो क्लियर है क्लीन है आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती तो यह जरूर करो और विशेष बात तो इस सीजन का लास्ट टर्न है ना इसलिए बता रहे हैं डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है सबके लिए है लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर कहो नेचर तो हरेक की अपनी अपनी है लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल मनसा में विजय और वाणी में मधुरता ये तब आ सकती है जब इजी नेचर हो अलबेली नेचर नहीं अलबेलापन अलग चीज है इजी नेचर तो बाबा अभी इजी नेचर की डेफिनेशन बता रहे हैं कि इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सरकम उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे इजी अर्थात मिलनसार टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती तो वो गुण के बदले या तो विशेषता के बदले वो विशेषता नहीं दिखती है ऐसे तो बाबा कहते हैं कि अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़े पन में चल सके छोटे से छोटे पन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके बड़ों से रिगार्ड से चल सके इजी मोल्ड कर सके शरीर भी इजी रखते हैं ना तो जहां भी चाहे मुड़ जाते हैं और टाइट होगा तो फिर मुड़ नहीं सकेगा भी नहीं इजी इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए अलबेला हो जाए नहीं बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए ऐसे नहीं करना इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके तो अभी हम बाप दादा के वरदान सुनते हैं अभी चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले सदा बाप के नैनों में दिल में मस्तक में समीप रहने वाले सदा एक बाप के संसार में रहने वाले सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले सदा विजयी थे विजयी हैं और विजयी रहेंगे ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिले प्यारे थे प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो ऐसे बनाने वाले बच्चों को हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति अभी हम एक मिनट मौन में रहेंगे फिर शेयरिंग शुरू करेंगे शांति थैंक यू टीचर बहन जी बहुत अच्छे से मुरली तो हमली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं शांति आज बाबा ने कहा है कि ये पांच स्वरूप का एक्सरसाइज बीस बीस में करो किसी भी कार्य में हो पांच सेकेंड का ये मन की एक्सरसाइज करो तो मन सदा ही तो रहेगा ठीक रहेगा शांती। ओम शांति आज प्यारे बाबा ने इजी नेचर का डेफिनेशन बताया एक मिलनसार दूसरा इजी मोल्ड और तीसरा जैसा जैसा समय वैसा स्वरूप ओम शांति ओम शांति आज बाबा ने कहा कि महसूसता की शक्ति से सच्ची दिल से सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा को आगे महसूस करते हो तो दिल खाली हो जाएगी और हमारा किचरा खत्म हो जाएगा थैंक यू शांति। आज मीठे बाबा ने आज अपनी एक चाहत रखी है बाबा ने बोला बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं तो बाबा ने उसके आगे भी कहा सं, सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है ब्राह्मणों के जीवन में मेजोरिटी विघ्न बाबा ने कहा जो शक्ति जिस समय कार्य में लगानी लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है इसी कई कारण पीछे सोचते हैं कि यह ना करे रूहान कहती है बहुत अच्छा इसी कारण हम लोग तो संस्कार मिलन नहीं होता है तो बाबा चाहते उसमें परिवर्तन करें ओम शांति ओम शांति आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हम सब अपने संस्कार या नेचर अपना चेक करें हम सभी चाहते हैं कि हम सर्व के स्नेही स्नेही संबंध में सफलता मिले मनसा में विजयी रहे और वाणी में मधुरता हो तो ये बाबा ने कहा ये तब आ सकता है जब हमारा नेचर इजी हो इजी नेचर मतलब कि जैसा समय जैसा व्यक्ति ती जैसा सरकमस्टेंसेस हो उसको परखते हुए अपने को इजी कर लेवे अर्थात मिलनसार बनाए ओम शांति ओम शांति आज बाबा प्यारे बाबा ने कहा है कि बीच-बीच में जब भी तुम्हें टाइम मिले तो मन के एक्सरसाइज करते रहो तो मन इतना मजबूत हो जाएगा और पावरफुल हो जाएगा ओम शांति पांच पांच स्वरूप के एक्सरसाइज ही बेस्ट एक्सरसाइज है जो मन को पावरफुल बनाती है ओम शांति ओम शांति आज प्यारे बाबा ने कहा हर घंटे में राउंड लगाया और फिर काम में लग जाओ क्योंकि काम की काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना ड्यूटी तो बजानी है लेकिन पांच सेकंड पांच मिनट भी नहीं सेकंड नहीं निकल सकता निकल सकता है तो आवाज सेकंड तो हर कोई एक सेकंड तो हर कोई निकाल सकता काम करते बाबा ने कहा भी हर सेकंड में करना हर घंटे में एक सेकंड तो कम से कम एक सूप का करो ओम शांति ओम शांति आज बाबा ने तीन में दो बात तीन बातें बताई पहला कहा कि आप मन को कंट्रोल करने के लिए मैं आत्मा बिंदु हूँ और दूसरा बाबा ने कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और तीसरी बात जो बहुत मजेदार और नई बताई बाबा ने कि अपने ऊपर मुस्कुराओ जब मन आपकी बातें नहीं मानता है तो अपने ऊपर मुस्कुराओ ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बताया कि मन मन जैसा नहीं होना चाहिए हम यहाँ जब जो मेजरमेंट है ना वो मन इतना बोझ वाला नहीं बनना चाहिए हल्का बनना चाहिए हल्का बनने के लिए बाबा ने पांच सेकंड की एक्सरसाइज बताई है हम आत्मा पांच स्वरूप में स्थित हो जाए तो हमारा मन हल्का हो सकता है ओम शांति ओम शांति बाबा ने कहा कि जो पांच स्वरूप आपके हैं तो वो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के पांच मुख दिखाए जाते हैं तो यही अपने पांच मुखों का हर पांच सेकंड हर घंटे में पांच सेकंड अपना चिंतन करते रहो तो मन कंट्रोल में आ जाएगा ओम शांति ओम शांति आज बाबा ने बताया है यह बहुत अच्छा है डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं अच्छा है भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हा जी करना सिर्फ माया की को ना जी करो बस आत्माओं को हा जी हा जी करो माया को ना जी ना जी करो अच्छा सभी ने जन्म दिवस मना लिया आज बाबा ने कहा है मन मन और बुद्धि को क्लियर रखे तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी माया भी पॉलिस करके भी आती है बीज वही है लेकिन रूप बदल कर आती है ओम शांति ओम ओम शान्ति। शान्ति। जी, हाँ ओम शांति आज बाबा बोले कि मुश्किल है कहकर तीन तरह की लकीर लगा लेते हैं बच्चे पहला है पानी पर लकीर दूसरा होता है कागज पेपर पर लकीर और तीसरा होता है पत्थर की लकीर पत्थर की लकीर जो बहुत मिटाने मुश्किल होती है तो बाबा देखते हैं कि ऐसे करके बच्चे परवश हो जाते हैं बाबा को रहम आता है ओम शांति ओम शांति आज बारा प्यारे बाप दादा ने कहा कि अगर कोई माया से लड़ते समय कोई गलती हो भी जाती है तो बाबा ने बोला कि ये रियलाइजेशन रखना है कि वो गलती दोबारा ना हो और बाबा ने कहा कि सच्ची दिल से महसू महसूसता से बाप दादा के आगे रख दो ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई लेकिन महसूसता की शक्ति से सच्ची दिल से सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगा किचड़ा खत्म हो जाएगा और ऐसे दिल में दिल आराम रह सकता है ओम शांति आज बाबा ने एक बहुत अच्छी युक्ति बताई है बाबा कहते हैं कि जो जिसमें सोचते हुए मन नहीं मानता उसमें अपने ऊपर मस्तुराना बाबा ने हमें कहा कि आप मास्टर सर्व शक्ति मानो और हम ही कहते हैं कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे तो जब मन नहीं मानता तो बाबा ने बहुत अच्छी है उसमें अपने ऊपर उस ओम शांति आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत सारी बातें बोला बताई है उसमें से पांच सौ का अभ्यास बाबा ने बोला है कि हर घंटे करना है तो उसको कुछ काम से कनेक्ट करेंगे हम तो याद रह सकता है जैसे कि भोजन बनाने से पहले या भोजन बनाने के बाद या कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर हम करेंगे तो बहुत बार हो सकता है जैसे फोन का रिंग या कुछ ऐसे टेक्निक करना पड़ेगा तब हम ज्यादा से ज्यादा बार कर सकेंगे और दूसरी बाबा ने बोला कि महसूसता की शक्ति तो उसके लिए हमें रात को सोने से पहले खत लिखना पड़ेगा तब हमें महसूसता की शक्ति इमर्ज हो जाएगी और अरवान बोला है कि आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए तो उसके बारे में भी कुछ टेक्निक्स हमें निकालनी पड़ेगी जो हमें पता नहीं ओम शांति थैंक यू ओम शांति आज बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए भी बात की है ब्राह्मणों के जीवन में जो मेजॉरिटी होती है वो बिगनर रूप बनता है वो संस्कार ही है चाहे अपना चाहे दूसरे का संस्कार ज्ञान सभी में है शक्तियां भी सभी के पास है लेकिन क्या कारण होता है जो शक्ति जिस समय समय कार्य में लानी चाहिए, उस इमर्ज होने की बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है फिर हम सोचते हैं कि मैं यह करती मैं यह करती तो बहुत अच्छा होता लेकिन जो समय निकल जाता है वह समय पास होने का था वह निकल गया वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी हैं, रखते भी हैं, लेकिन सहन शक्ति यह है निर्णय शक्ति यह है ये यूज करना भूल जाते हैं ओम शांति ओम शांति चैन में किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखने का सही मतलब क्या है और इसी पे भी हम डिस्कस भी कर सकते हैं कि कैसे हमें पता चले जैसे अभी पुरुषोत्तम तो भाई जी ने भी कहा और कि हमें अगर अपना दिल साफ रखना है बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है तो एक तरीका यह है कि हम रोज बाबा को पूरे दिन भर का लेटर लिखे पूरा सब कुछ बाबा को बताएं रात को दूसरे और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमें बुद्धि की लाइन क्लियर हम रख सके अपना दिल साफ रख सके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं थोड़ा सा आज तो बाबा ने यह कहा है कि पांच स्वरूप का अभ्यास करने से बुद्धि का लाइन क्लियर है ओम शांति बीच बीच बुद्धि की लाइन क्लियर होना यानी व्यर्थ से मुक्त रहना और बाबा की टचिंग हम कितने अच्छे से कैच कर सकते हैं तो इसके लिए हम बीच बीच में चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितना व्यर्थ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या कितना व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं और जो समय समय हम अगर बाप दादा से जो भी गाइडलाइंस लेते रहते हैं तो वो भी हम चेकिंग कर सकते हैं कि कितना अच्छे से क्लियरली हम बाप दादा की टचिंग्स को महसूस <सबसकते हैं> कर सकते हैं सो अगर व्यर्थ से मुक्त हैं और टचिंग हम सही तरह से कैच कर सक रहे हैं तो इसका मतलब हमारा बुद्धि का लाइन क्लियर है बुद्धि 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 की लाइन मतलब मतलब जो जो अभी तक आ, में जो हुआ है मतलब तिरसठ जन्मों का तो वो कैसे क्लियर होगा तो उसका एक मेथड तो ये है कि अगर हम जब हम योग में बैठते हैं तब अगर बहुत व्यर्थ चलता है तो एक तो उस टाइम उसी टाइम जब कोई थॉट आए उसको लिखें और साथ में लिख दे कि इसको बाहर निकाल रही हूँ और लिखते जाए कि किस तरह का थॉट आ रहा है वो तो वो जो भरा हुआ है वो निकलता जाएगा क्योंकि तो निकालना तो है ही है उसको और, और भी कर सकते हैं जैसे हम काम करते करते कि इसको आउट हूं। let it go, let it go. और फिर भरना ये क्लियर होना तो यही होगा फिर वो खाली होती जाएगी बुद्धि तो उसमें फिर भरने की जगह तो और ऑटोमेटिकली आई जाएगी गुण भरते जाएंगे शक्तियां भरती जाएंगी बात को आगे रखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सूरज भाई कहते हैं ना सूरज भाई जैसे कहते हैं कि बुद्धि की लाइन कैसे क्लियर होगी तो समान से भर दो उसको जैसे प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहेंगे तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो समानों में हम खो जाएंगे प्राप्ति स्वरूप रहेंगे तो बुद्धि हमेशा स्वच्छ और क्लियर रहेगी ओम शांति ओम शांति बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात जैसे हम जब कर्म व्यवहार में आते हैं कर्म संबंध में आते हैं तो हम आत्मिक स्थिति में रह के साक्षी भाव से अगर हम कर्म करें और निरंतर बाबा से जो जुड़ी रहे हमारे मन की तार तो फिर हम हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और व्यर्थ भी नहीं अंदर जैसाएगा ओम शांति ओम शांति ओम शांति बाबा ने मुरली में पिछली बार एक कहा था कि अगर आपके मन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है या कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मन में आपके खुद से ही खुद हम बातें कर रहे हैं और खुद से ही खुद व्यर्थ संकल्प बहुत चले जा रहे हैं तो उसी समय एक सेकंड रुक कर उस परिस्थिति को क्लेरिफाई कर लें और उसको उसी समय क्लीन कर लें बुद्धि से तो वो उसी समय जब तुरंत क्लीन हो जाएगा तो आगे वो संकल्प नहीं चलेंगे और मन बुद्धि की लाइन और मन की लाइन क्लियर रहेगी ओम शांति ओम शांति कल बाबा ने सरकार मुरली में कहा ना कोई कहीं तो व्यर्थ चल रहा वहां खड़े होना भी हिंसा है तो अगर हम ये सोचते हैं कहीं व्यर्थ चल रहा हिंसा है ये बोलना भी हिंसा है गलत व्यर्थ तो वो अगर बाबा का मुरली पॉइंट रखे तो बुद्धि क्लियर रहेगी ओम शांति शांति जैसे बाबा ने कहा है कम करना तो उसके लिए एक तो फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए दूसरी बात है हम ज्ञान ओम शांति जैसे बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए सबसे पहले जब हम कहते हैं हम कहते हैं ना कि बाबा ये संसार है बाबा ये मेरा संसार है तो संसार में क्या आता है एक तो व्यक्ति और बाइबल तो जब हर संबंध से अगर हम बाबा से अगर जोड़ते हैं है, है ना हर संबंध तो संसार बाबा का बाबा का बाबा को हमने संसार बना लिया जैसे मात पिता बच्चा हर साजन के रूप में पति के रूप में बच्चे के रूप में अगर हर संबंध से अगर हम बाबा को अगर अपनाते हैं यूज करते हैं तो उस संसार में फिर और कोई आने की चांस मार्जिन ही नहीं है तो सबसे पहले संसार बाबा को बनाते हैं तो बुद्धि की लाइन फिर और कहीं बुद्धि और कहीं बटकेगी नहीं जी तो जो है ना तो फिर बाबा की लाइन क्लियर बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया है अभी समय भी हो रहा है हम इसका चिंतन किसी बफर पे भी ले सकते हैं जिनका भी रह गया है या फिर आप ग्रुप में डाल सकते हैं ठीक है तो अभी हमद भी यही लेंगे कि आज हम पूरा दिन भर बाबा के साथ सच्चे दिल से महसूसता से अपनी बुद्धि को और दिल को साफ रखेंगे चेकिंग करते रहेंगे और जो मेन बात आज बाबा ने कही है कि अपने मन को हल्का रखने के लिए हम आज पूरे दिन भर पांच स्वरूपों का ड्रिल करेंगे चाहे तो उसको जैसे कि हुआ था डिस्कस कर्म से भी जो सकते हैं जैसा आपको कन्वीनियंट uh, लगे लेकिन आपको सभी को ये ड्रिल जरूर करना है चलते फिरते पांच रुपयों का ड्रिल बार बार करें और फिर बाबा को रात को इसका पोता मेल देंगे तो बहन जी आप हमें सब का उपयोग कराएंगे हाँ जी, हाँ जी तो सभी बैठ जाए अव्यक्त स्वरूप पांचों स्वरूप की ड्रिल करेंगे हम और ये पांचों स्वरूप को पांच धाम से जोड़ेंगे मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सन्मुख रहे उनसे आत्मा के सोलह ऊर्जा बिंदुओं को पूर्णतः चार्ज कर रही हूं मैं आत्मा संपूर्णतः चार छोकर बाप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व के अज्ञान अंधकार को मिटा रही हूं अब मैं आत्मा विष्णु चतुर्भुज देवता स्वरूप बाप दादा के सन्मुख हिस्ट्री हॉल में खड़ी हूं बाबा मुझे ज्ञान रूपी गदा योग रूपी चक्र सेवा रूपी शंख और धारणा रूपी कमल पुष्प प्रदान कर रहे हैं मैं देवता सोला कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक बनती जा रही अब मैं आत्मा विघ्न विनाशक गणेश अष्टभुजदारी दुर्गा के पूजनीय स्वरूप में बाप दादा के सन्मुख बाबा की झोपड़ी में हूं इस पूजनीय स्वरूप में मैं ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याणकारी बन गई हूं इस पूजनीय स्वरूप में मेरी जड़ मूर्तियों की और चित्रों की घरों और मंदिरों में पूजा हो रही है अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान परम पवित्र ब्राह्मण बाप दादा के सन्मुख कमल आसन पर बाबा के कमरे में हूं बाबा ने मुझे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना दिया है मैं ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा बाप समान पवित्र बन गई हूं अब मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान पवित्रता का फरिश्ता दादा के सन्मुख शांति स्तंभ के पास खड़ी हूं मैं पवित्रता का फरिश्ता बाप दादा का हाथ पकड़कर सारे विश्व में पवित्रता सुख शांति आनंद और प्रेम की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता उड़चला सूक्ष्म वतन अपनी चमकीली ड्रेस यहीं उतार कर मैं आत्मा बिंदु बनकर उड़ चली परम धाम शिव बाबा के पास ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति थैंक यू किचन वेंजी सभी का धन्यवाद इतने अच्छे डिस्कशन के लिए कल फिर मिलेंगे ओम शांति हैव अ नाइस डे गुड डे गुड डे और टेल ऑल द पर्पस भी एवरीवन अचीव दे ऑल टू यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू बायर हैव अ नाइस डे ओम शांति हैव अ नाइस डे